आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल की जंग तैयार है। एक तरफ पहले सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच टक्कर होगी, तो दूसरे सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड से होगा। सेकेंड सेमीफाइनल के ब्लॉकबस्टर के लिए फैंस पूरी तरीके से तैयार है, जो इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल की जंग 27 जून गुरुवार को होनी है। गयाना में होने वाले इस मैच के वेदर पर हर किसी की नजरें होंगी, तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि मैच के दिन गयाना का वेदर कैसा, क्या बारिश बनेगी विलेज या मैच में मिलेगा पूरा एंटरटेनमेंट। गयाना में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच में फैंस को निराशा होना पड़ सकता है, क्योंकि इस मैच में बारिश का साया है। वेदर एक्सपर्ट की माने तो गयाना में एक महीने के 30 दिन में 20 दिन से ज्यादा बारिश होती है। ऐसे में दूसरे सेमीफाइनल मैच में बारिश का खलल पड़ना तय दिख रहा है। गयाना में इस दिन के वेदर रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर 75% बारिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मैच जिस समय खेला जाना है तब वेदर सही रहने की उम्मीद है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले बारिश होती है तो ग्राउंड में गीला होने की वजह से मैच शुरू होने में देरी हो सकती है। मैच गयाना के टाइम के अनुसार बात करें 10:30 से शुरू होगी और गयाना में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 35 से 70% बारिश की संभावना है। आईसीसी ने तो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि सेमीफाइनल को कराने के लिए 240 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम रखा जाएगा, यानी उसी दिन मैच को कराने की पूरी कोशिश होगी। और दोस्तों, अगर फिर भी मैच नहीं हो पाता है तो टीम इंडिया को सुपर 8 में ज्यादा पॉइंट्स की वजह से विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप इस वेदर को लेकर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।